वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हाई स्कूलों में 6000 हेडमास्टर होंगे भर्ती, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं, प्रधानाध्यापक भर्ती नियमावली में हुआ संशोधन। यानी कि देखिएगा, पेपर में ये दिया है कि हाई स्कूलों में 6000 हेडमास्टर होंगे भर्ती, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, प्रधानाध्यापक भर्ती नियमावली में हुआ संशोधन। देखिए किस तरह का संशोधन हुआ, संशोधन क्यों करने की ज़रूरत हुई, ये इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए नियमावली संशोधित कर दी गई है। तय किया गया है कि परीक्षा कैसे ली जाएगी, यह शिक्षा विभाग तय कर बीपीएससी को नहीं देगा। नियमावली में संशोधन के बाद बीपीएससी परीक्षा पैटर्न तय करेगा, यानी नियमावली में संशोधन के बाद बीपीएससी परीक्षा पैटर्न तय करेगा। ये बात जान लीजिए, शिक्षा विभाग तय नहीं करेगी। परीक्षा पैटर्न तय करने में शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर परामर्श लेने की बात है। जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति लेकर प्रधानाध्यापक की वैकेंसी बीपीएससी को भेज दी जाएगी। माना जा रहा है जून या जुलाई के अंत तक रिक्ति आ सकती है, यानी कि जून या जुलाई 2023 तक एक वैकेंसी आ सकती है। प्रधानाध्यापक के कुल पदों में 35% यानी लगभग 2100 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। एससी एसटी पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। प्रधानाध्यापक का संवर्ग परमंडलीय स्तर का होगा। ये देख लीजिएगा कि ये जो हेडमास्टर का पद होगा ये परमंडल स्तर तक होगा, परमंडल स्तरीय होगा। और जानिए संशोधन के बाद 3 बड़े बदलाव जो किए गए हैं, यानी संशोधन के बाद कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, इस पे एक बार हम लोग थोड़ा सा गौर कर लें। पहला, नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कि पहले जो था नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा। प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इससे पहले 0.25% नेगेटिव मार्किंग होती थी, यानी 4 गलत प्रश्न पर 1 अंक काटना तय किया गया था। यह भी माना जा रहा है कि 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 150 की जगह 100 प्रश्न ही पूछे जाएं। हालांकि प्रश्न की संख्या बाद में तय होगी, लेकिन आप जान लीजिए कि ये 150 के स्थान पर 100 होने की पॉसिबिलिटी है। शिक्षण अनुभव में छूट, ये भी बदलाव है कि शिक्षण अनुभव में 2 साल से 4 साल तक की छूट मिलेगी। माध्यमिक शिक्षकों के लिए अब 10 साल के बदले 8 साल और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 8 के बदले 4 साल का शैक्षणिक अनुभव यानी शिक्षण अनुभव होना चाहिए। निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए शिक्षण अनुभव में छूट नहीं मिलेगी, यानी कि उसमें जो है माध्यमिक शिक्षकों के लिए 10 साल और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 8 साल ही रहेगा। परीक्षा में संबंधित हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि आवेदन के बाद आयोग अलग से पूछे जाने वाले विषयों की जानकारी देगा। तीसरा, क्या बदलाव हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। उम्र सीमा को लेकर के बदलाव हुआ है, यानी सरकारी उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए उम्र सीमा तय नहीं रहेगी, यानी कि शिक्षकों की उम्र सीमा जो तय नहीं रहेगी जो सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं। लेकिन निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष आयु के शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन के पात्र होंगे। यानी प्राइवेट स्कूल में जो भी शिक्षक हैं न्यूनतम यानी मिनिमम जो एज होगा वो 31 साल होगा और अधिकतम 47 साल होगा। उसके बाद 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रधानाध्यापक का तबादला परमंडल पर होगा, यानी कि प्रधानाध्यापक का जो तबादला होगा वो परमंडलीय स्तर का होगा। इनका मूल वेतन 35,000 रुपये है, इसमें अन्य भत्ता जोड़ने के बाद लगभग 50,000 से 52,000 रुपया प्रति माह मिल सकता है। यानी कि वेतन कितना मिलेगा, 50,000 से 52,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा गौर कर लें कि आखिर ये बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको पता होगा कि पिछले साल 6421 यानी 6421 प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए ली गई परीक्षा में मात्र 420 अभ्यर्थी ही सफल हो सके थे। इसके बाद कई स्कूलों में पद खाली रह गए थे,
इस कारण स्कूलों का प्रबंधन सुचारू ढंग से नहीं चल पा रहा था। अब विभाग ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है ताकि इस बार पद खाली न रह पाए। नए बदलाव से आवेदन देने वालों की संख्या 25,000 तक हो सकती है, यानी कि लगभग 25,000 आवेदन करने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लीजिए ताकि आप आराम से इस बार एग्जाम निकाल सकें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।